हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो बिजनेस स्टडीज है यानी व्यवसाय अध्ययन है, जो छात्र यूपी बोर्ड के हैं, तो उनकी मैं पूरी क्लास चलाऊंगी। यानी जो उनका बिजनेस स्टडीज है सब्जेक्ट, उसका जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को मैं कवर करूंगी, पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो आपकी पूरी क्लास आपको मेरे चैनल पर बिजनेस स्टडीज की मिलेंगी। और जो हमारी आज की वीडियो आपका पहला क्लास है, यानी डे वन है आपका, तो स्टूडेंट देखिए, तो अपने क्लास को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हर एक टॉपिक को मैं कराऊंगी, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी मैं आपका कराऊंगी। समझ लीजिए, आपकी पूरी क्लास मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए, और पहला डे हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए जो टॉपिक है वो है व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति एवं उद्देश्य, कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। यानी जो बिजनेस का यानी व्यवसाय का जो अवधारणा है, जो प्रकृति है और जो उसका उद्देश्य है, ये क्या है आपका टॉपिक है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मानवीय क्रियाएं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और क्लास इलेवेंथ में हैं आप, तो ये तो आपके चैप्टर में है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। और जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं, यानी जो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी ये सब चीजें करा रखी हैं, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब मैंने करा दिया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो स्टूडेंट को इंग्लिश में पढ़ना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से वहां जाके पढ़ सकता है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, मानवीय क्रियाएं, यानी जो मानव है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो कितनी तरह की क्रियाएं करता है, कितनी तरह की एक्टिविटीज करता है, तो वही हम पढ़ेंगे। देखिए, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो दो तरह की क्रियाएं करता है, एक है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी है अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य के जन्म लेते ही आवश्यकताओं का क्रम आरंभ हो जाता है। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है, पैदा होता है, तभी से उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं उसकी अपने लाइफ की, वो क्या है, शुरू हो जाती है। जैसे ही एक आवश्यकताओं की संतुष्टि पूर्ण होती है कि दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रियलिटी है, मनुष्य के पैदा होते ही क्या है, उसकी जरूरतें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उसकी एक जरूरत पूरी होती है, जैसे उसकी एक आवश्यकता की संतुष्टि पूर्ण, यानी कि एक जरूरत जैसे उसकी पूरी हुई, जो चीज उसको चाहिए थी जैसे उसको मिल गई, फौरन अब उसके बाद ही उसकी दूसरी जरूरत उसके सामने आ जाती है। और ये क्या है, ये हम सभी के साथ होता है स्टूडेंट्स। यही नहीं, एक ही समय पर मनुष्य को कई आवश्यकताएं अनुभव होती हैं। और देखिए, और यही नहीं सिर्फ, यानी एक ही मनुष्य को, यानी सभी लोगों को एक ही साथ में कई तरह की जरूरतें क्या है, अनुभव होती हैं, यानी फील होती हैं। जैसे चाहे आप हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो, क्या है कि हमें एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों की क्या है, जरूरत होती है। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो ये क्या है, ये मनुष्य की क्या है, जरूरत है। क्योंकि उसके साधन सीमित होते हैं, इसलिए उसे ये सोचना पड़ता है कि वह किस आवश्यकता को पहले पूरा करे और किसको बाद में और किसको छोड़ दे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि मनुष्यों की जो आवश्यकताएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो सोचता है कि जो मेरी आवश्यकता है, जो मेरी जरूरत है, वो सभी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें से कौन सी जो मेरी जरूरत है मैं उसको पहले पूरा करूं, कौन सी ऐसी जरूरत है जो उतनी जरूरी है तो उसको मैं छोड़ दूं। जरूरी वो भी होता है, मगर वो इसलिए उसको छोड़ना सोचता है ताकि जो उसकी और पहले की आवश्यकता है, यानी कि जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पहले पूरा करे, फिर किसको बाद में पूरा करे और किसको छोड़ दे। क्या है, मनुष्य कंफ्यूज रहता है।
आवश्यकता के चक्कर में फंसा मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रातः से सांय तक करता रहता है। यानी आवश्यकता के जरूरत के चक्कर में क्या है, मनुष्य एकदम फंसा हुआ है और उसके लिए क्रियाएं प्रातः से सांय तक यानी क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, काम करता है सुबह से लेकर शाम तक। क्यों करता है? ताकि वो पैसे कमाए, मनी अर्न करे और अपनी जरूरतों को, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करे। यही रियलिटी है, यही लाइफ है स्टूडेंट, और हर कोई एक्टिविटीज करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यानी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब कोई क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। यानी सुरेंद्र देखिए, हम सभी के घर में कोई ना कोई काम जरूर किया जाता है जिससे क्या है, पैसे आते हैं और फिर क्या है, घर का खर्चा चलता है, सभी लोगों की जरूरतें पूरी होती है, सबका कपड़ा चप्पल और जो भी खाने पीने की हर एक चीज है, खाना भोजन सब कुछ पूरा होता है। तो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो काम किए जाते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कोई ऑफिस में जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई अपना घर का बिजनेस करता है, किसी की अपने किराने की दुकान होती है, कोई कपड़ा बेचता है। इस तरह से क्या है, पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी करता है, एक व्यापारी व्यापार करता है, एक वकील वकालत करता है, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है इत्यादि, ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यानी हर कोई अपना अपना जिसका जो काम है वो करता है और पैसे कमाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली ये समस्त क्रियाएं जो धन की उत्पत्ति या आय कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी ये बात पूरी तरह से एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि आवश्यक जो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन कमाया जाता है, यानी जो मनी अर्न की जाती है, जाहिर सी बात है आदमी काम करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट होता है, नौकरी करते हैं तो मतलब सैलरी मिलती है, ये क्या है, धन की उत्पत्ति करने के लिए ही किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत मनुष्य की वे क्रियाएं जो स्नेह दया कर्तव्य भावना देशभक्ति एवं परोपकार आदि जो धन कमाने के उद्देश्य नहीं की जाती, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। देखिए स्टूडेंट, अब एक दूसरी क्रिया है जो मनुष्य करता है, एक तो हो गई उसके धन कमाने की यानी पैसा कमाने की क्रिया, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वही मनुष्य क्या है, एक और क्रिया करता है, स्नेह दया यानी किसी से दया करना, किसी की हेल्प कर देना, देशभक्ति यानी देश प्रेमी होना, ये सब क्या है, ये सब जो करते हैं ये धन कमाने के उद्देश्य से हम नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं अनार्थिक क्रिया स्टूडेंट्स। और देखिए ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11th के लिए, तो स्टूडेंट चलिए इसको और भी अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के वर्गीकरण को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो दो तरह की होती हैं। मनुष्य अपने जीवन में, अपनी लाइफ में दो तरह का काम करता है, और वो दो तरह का काम क्या है, देखिए सबसे पहले इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले आ गया ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय क्रियाएं, उसके बाद इसको दो भागों में बांट देते हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जब हम इसको दो भागों में बांट दिए हैं, तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये मनुष्य क्यों करता है, लाभ पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है, जो मनुष्य किसी से स्नेह करता है, प्यार करता है, किसी के साथ दया करता है, किसी की कोई हेल्प कर देता है, देश प्रेमी है, तो ये सब धन कमाने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए मनुष्य नहीं करता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं हैं, देखिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी तीन तरह की होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिए। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी थ्री टाइप्स की होती हैं। अब इसको देखिए यहाँ से क्लासिफाई किया जा रहा है, देखिए तीन तरह से, पहला है व्यवसाय यानी बिजनेस, दूसरा है पेशा यानी प्रोफेशन, और तीसरा है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट।
तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो तीन प्रकार की होती है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। देखिए व्यवसाय में क्या क्या आता है, क्रय विक्रय यानी बाइंग सेलिंग, यानी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना बेचना, कपड़ा मतलब कपड़े बेचना, चप्पल बेचना, कोई भी चीज खरीदना और बेचना, ये क्या है, बिजनेस है हमारा। तो देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चर्स किया जाता है कोई भी चीज, चाहे कोई कपड़ा हो, अलग अलग टाइप के तो कपड़े भी होते हैं, या फिर सुगर कोई देख लीजिए उसकी इंडस्ट्री हो, तो ये सुरेन हर चीज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो ये क्या है, ये बिजनेस होता है। और जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, ये भी क्या है, ये भी बिजनेस है, ये भी क्या है, व्यवसाय है। यातायात ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है सुरेन, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो माल मतलब भेजना होता है, कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये भी एक बिजनेस है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये बिजनेस है। संग्रहण यानी वेयर हाउसिंग, ये भी बिजनेस है। विज्ञापन यानी किसी भी चीज का जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए एक कंपनी है जो मतलब प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए कोई अच्छा सा फेस वॉश ही वो बना रही है, तो क्या है, वो जब फेस वॉश में नए नए फीचर्स ऐड करेंगे तो क्या है, उसका एडवर्टाइजमेंट निकालती है कंपनी, प्रचार दिखाती है, ताकि जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो देखें और उससे क्या हो, मतलब परिचित हो सके, इंट्रोड्यूस हो सके कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें नई नई आई हैं। तो जब खरीदने वाले जानेंगे, कस्टमर्स जानेंगे, तभी तो फिर वो नए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, तो इसलिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक बिजनेस है। देखिए अब दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है पेशा यानी प्रोफेशन, जैसे वकालत यानी लॉ, जो वकील होते हैं, चिकित्सा यानी मेडिकल, या डॉक्टर हो गए, इंजीनियर है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखिए स्टूडेंट, प्रोफेशन का मतलब होता है जो किसी डिग्री को लेने के बाद किया जाता है, यानी उसके लिए मतलब पढ़ाई की जाती है। जैसे देखिए अगर कोई भी डॉक्टर है तो वो बिना डॉक्टर की डिग्री लिए बिना पढ़ के डॉक्टरी नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें डॉक्टर का जो भी पूरा कोर्स है, MBBS, BUMS, जो भी उनको करना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाकर वो डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टरी करेंगे। जो वकील बनते हैं उन्हें पूरा लॉ पढ़ना होता है, LLB करना होता है, और जितनी भी तरह के लॉ है उसका पूरा पढ़ना होता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको भी क्या है, जितने भी इसके एग्जाम्स होते हैं सब पास करना होता है, इंजीनियर हो गए वो भी बनते हैं। तो क्या है, जो भी पढ़ने के बाद, कोई हाई डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई के बाद किया जाता है वो प्रोफेशन होता है। और जो बिजनेस है उसमें मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब ज्यादा नहीं पढ़े होते मगर फिर भी बिजनेस अच्छा अच्छा करते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन प्रोफेशन वो होता है जहाँ पे डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद किया जाता है। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको भी करने के बाद क्या है, पैसे कमाते हैं, फीस लेते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, जैसे मैनेजर हो गया यानी प्रबंधक, निरीक्षक यानी सुपरवाइजर, या श्रमिक यानी वर्कर। यानी सुरेन इसको समझिए, एक तो हो गया बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होते हैं, दूसरा हो गया प्रोफेशन जो मतलब डिग्री लेने के बाद करते हैं, अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर कोई पार्टनरशिप है, सब क्या है, सब बिजनेस है। तो उसमें जो मैनेजर रखे जाते हैं, सुपरवाइजर, वर्कर, लेबर, ये लोग जो रखे जाते हैं वो क्या है, एम्प्लॉय बोले जाते हैं। जैसे कंपनी में भी एम्प्लॉय होते हैं तो वो सब क्या है, वहाँ के कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें सैलरी दी जाती है या वेजेस दिए जाते हैं, यानी उनका कोई अपना बिजनेस नहीं होता, वो वहीं पे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, और उन्हें सैलरी दी जाती है उनके काम करने के बदले में, तो वो होता है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गई होगी। देखिए अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे धर्म प्रचार, रिलीजियस प्रीचिंग्स, देश सेवा, सर्विंग द कंट्री, सामाजिक, सोशल, पैतृक, पेरेंटल आदि। देखिए स्टूडेंट, ऐसी क्रियाएं, ऐसा काम जो मनुष्य यानी व्यक्ति अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करता है, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जैसे अगर वो अपने देश से प्रेम करता है तो उससे कोई धन की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करता है, जिस देश में वो रहता है वो अपने देश से प्रेम करता है, सच्चा देशभक्ति होता है। किसी की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना, ये सब क्या है,
ये मतलब अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति करता है, तो इसका उद्देश्य धन कमाना यानी पैसा कमाना नहीं होता। तो इस तरह की जो क्रिया है, या फिर किसी भी व्यक्ति जो बेचारा कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास पैसे ना हो, उसकी मदद कर देना, परेशान हो उसका दवा इलाज करा देना, तो ये सब जो मतलब मानसिक संतुष्टि के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, बस लोगों की सेवाएं करना, मदद करना होता है, ताकि अपने आप को सुकून दे सके, अपने दिल के सुकून के लिए। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। आप समझिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिस भी प्रकार की क्रिया को करता है, उसे हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। मानवीय क्रियाएं धन से भी संबंधित हो सकती हैं और मानसिक शांति से भी। देखिए स्टूडेंट, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, ये दोनों मिलके होती हैं मानवीय क्रियाएं, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, अब वो चाहे आर्थिक हो या अनार्थिक हो। तो जो क्रियाएं हैं वो धन से संबंधित हो सकती हैं, यानी पैसा कमाने के लिए, या फिर अपनी मानसिक शांति के लिए। इसी आधार पर हम इन क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं। देखिए सुनिए, मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, इससे कि आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे, अपना नोट डाउन भी आप लोग कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो देखिए, आर्थिक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, बीमारों की चिकित्सा करना, किसी कारखाने में नौकरी करना इत्यादि। ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना, यानी बेचना या खरीदना, किसी भी चीज की दुकान होती है स्टूडेंट, वो बेचते हैं, आप ही जाके मान लीजिए किसी स्टेशनरी की आपको जरूरत पड़ जाए, पेन की जरूरत पड़ जाए, अब क्या है, दुकान पे जाते हैं खरीदने, तो क्या है, जो दुकान वाला है उसका क्या मेन मकसद है, पैसे कमाना है, तो वही मतलब है। वकालत का काम करना, कोई वकील है जो प्रोफेशन है, वकालत करता है, वकील है, तो वो क्या है कि अगर आप उससे कोई काम कराएंगे तो क्या है, वो फीस लेंगे, तो ये भी अपने वो भी पैसे कमाने का उद्देश्य है। बीमारियों की चिकित्सा करना, डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर फीस लेंगे। किसी कारखाने में नौकरी करना, और नौकरी करेंगे क्या है, इम्प्लॉयमेंट, यानी इम्प्लॉय हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप एग्जांपल के थ्रू ही समझ लीजिए, ये जो पहला एग्जांपल है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ये हो गया बिजनेस, जो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू समझाया है। वकालत का काम करना या बीमारों की चिकित्सा करना, ये दोनों हो गया प्रोफेशन, यानी हाई डिग्री को पढ़ने के बाद, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आप उनसे कोई काम कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे फीस लेते हैं। किसी कारखाने में नौकरी करना, ये आपका तीसरा वाला एग्जांपल हो गया। देखिए, जैसे इम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में नौकरी करेंगे, किसी पार्टनरशिप फर्म में नौकरी करेंगे, मैनेजर होंगे कहीं पे, तो उनको क्या है, वो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो क्या है, उनको सैलरी दी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, यानी इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो व्यवसाय यानी बिजनेस, पेशा यानी प्रोफेशन, और तीसरा है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। अब उसको भी स्टूडेंट थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, व्यवसाय का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और वितरण से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए मछली पकड़ना, खेती करना, निर्माण करना, थोक या फुटकर बिक्री, खाने खोदना इत्यादि। यानी जो बिजनेस है वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे तो मछली पकड़ के मछली को बेचना, खेती करना, तो खेती के बाद जो फसल उगती है उसको बेचना, वो भी क्या, वो उनका बिजनेस है। किसी भी चीज का निर्माण करना, कोई भी प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरर करना, किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का, कपड़े का, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं। उसके बाद थोक या फुटकर बिक्री करना, यानी जो होलसेलर हैं या फिर जो फुटकर यानी रिटेलर हैं, तो सब क्या है, किसी भी चीज को बेचना। इसलिए आप लोग मार्केट जाते हैं, तरह तरह की दुकानें देखते हैं, वो सब क्या है, बिजनेस है उनका। खाने खोदना, यानी जो मतलब खाने होती हैं, कोयला की सब खोदना, ये सब क्या, ये सब बिजनेस में आता है। और बिजनेस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
दूसरा है पेशा यानी प्रोफेशन। पेशे का संबंध उन क्रियाओं से है जिसमें एक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने काम में एक विशेष ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता होती है। यानी सुडेन आपको मैंने अभी बताया है कि जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा ज्ञान की यानी नॉलेज की जरूरत होती है, एक हाई डिग्री होती है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, सब क्या है, उनको पढ़ाई करनी पड़ती है तभी जाके वो अपना काम कर सकते हैं, बिना डिग्री के नहीं कर सकते। इन क्रियाओं का संबंध उन नियमों और आचार संहिता से होता है जो पेशेवर संस्था यानी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो लोग पेशे में लगे होते हैं पेशेवर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वकील पेशेवर होते हैं जो कानूनी पेशे में लगे होते हैं तथा जिन्हें बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सदस्यता प्राप्त होती है। डॉक्टर पेशेवर होते हैं जो डॉक्टरी के पेशे से जुड़े होते हैं, जिन्हें मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सदस्यता प्राप्त होती है। यानी स्टूडेंट पेशा वो होता है जिसके लिए मतलब डिग्री पूरी होनी चाहिए। आप देखिए जैसे वकील क्या हो जाते हैं, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की क्या सदस्यता यानी मेंबरशिप उनको मिली होती है, और डॉक्टर को क्या है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की जो सदस्यता है वो प्राप्त होती है, तभी जाके वो अपना जो काम है वो कर सकते हैं। मतलब मरीज है तो पेशेंट देख सकते हैं, वकील है तो वकील अपना जो काम करते हैं। तो आई होप कि जो प्रोफेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बदले में हमेशा प्रोफेशन है जो है, जो मतलब डॉक्टर हैं, वकील हैं, लोग फीस लेते हैं। यानी प्रोफेशन में जो पैसा मिलता है वो फीस होती है, व्यवसाय में जो होता है प्रॉफिट होता है। और रोजगार देखिए, अब रोजगार क्या है, रोजगार का संबंध उन क्रियाओं से होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम करता है और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। देखिए रोजगार का संबंध एक ऐसी क्रिया से है यानी एक ऐसे काम से है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लगातार काम करता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में देखिए, किसी ऑफिस में देखिए, तो क्या है, बॉस है, तो अब बॉस के जो भी इम्प्लॉई है अपने बॉस के लिए ही काम करते हैं, जो उनके बॉस उन्हें ऑर्डर देते हैं तो इम्प्लॉई वही काम करते हैं, तो क्या है कि वो अपने बॉस के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको सैलरी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी यानी इम्प्लॉयज कहलाते हैं। मतलब तो कि कंपनी वगैरह में नियुक्त किए जाते हैं, अपना CV है और जो रिज्यूम है वगैरह देते हैं, उसके बाद जिस भी मतलब नौकरी के लिए वो बेस्ट होते हैं तो उन्हें वो नौकरी ऑफिस में दी जाती है, तो क्या है, इम्प्लॉय कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं नियुक्त कहलाते हैं। यानी जो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से अपने लिए काम कराते हैं वो नियुक्त यानी इम्प्लॉयर कहलाते हैं। जैसे अगर किसी भी ऑफिस में एक इम्प्लॉय है तो उसको जिसने मतलब जिसके ऑफिस में वो है तो वहां का जो बॉस है वो इम्प्लॉयर कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने नियुक्त किया है एक कर्मचारी यानी एक इम्प्लॉय। तो जिसकी ऑफिस होगी यानी जिसने हायर किया यानी जो वहां पे दूसरे के लिए काम कर रहा है वो तो इम्प्लॉय हुआ, और जिसके लिए वो काम कर रहा है वो इम्प्लॉयर होगा। उसके बदले में उसे सैलरी या मजदूरी यानी वेजेस दिए जाते हैं। रोजगार के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए अब रोजगार जो होते हैं उसके क्या क्या उदाहरण है। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय यानी किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी यानी कार्यालय यानी ऑफिस में जॉब करना, नौकरी करना, बैंक में, बीमा कंपनियों और दुकानों में काम करना। जैसे बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो लेबर रखे होते हैं तो क्या उन्हें वो भी मजदूरी देते हैं, यानी महीना बना होता है उनका कि आपको महीने में इतना दिया जाएगा। तो जैसे आप देख ही लीजिए कोई बड़े बड़े कपड़े की जो दुकान है, शोरूम है, मॉल है, तो वहां पे आप जाते होंगे, वहां भी आप लोग देखते होंगे लेबर होते हैं, तो क्या उन्हें वहां पे सैलरी दी जाती है। मैनेजर है, क्लर्क है, चपरासी आदि के रूप में काम करना इत्यादि। तो ये सभी जो उदाहरण आप देख रहे हैं ये रोजगार के उदाहरण हैं। देखिए अब है अनार्थिक अथवा गैर आर्थिक क्रियाएं यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो क्रियाएं किसी व्यक्ति के द्वारा मानसिक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए की जाती है गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मंदिर में भगवान के दर्शन करना, किसी गरीब को दान देना, समाज सेवा करना, माँ द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाना, अपने स्वयं के उपभोग के लिए खाना बनाना इत्यादि। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं जिसमें हम पैसा नहीं कमाना होता है,
बस अपने मन की शांति के लिए, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए हमें करना होता है। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करना, ये क्या है भी आदमी अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करता है। किसी गरीब को दान देता है अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए। समाज की सेवा करना, माँ द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाना, ये सबसे क्या है, कमाई नहीं होती है, पैसे नहीं आते हैं, मगर अपने मतलब ये भी इंसान अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज की लाइफ में, डेली लाइफ में करता है। अपने स्वयं के उपयोग के लिए, यानी अगर एक माँ है तो अपने घर में अपने परिवार वालों के लिए रोज खाना बनाती है, तो उसका उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, मगर ये उसकी अनार्थिक क्रिया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो कि इंसान अपने डेली लाइफ में रोज करता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों को। सो ये स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सभी डाउट्स, आपके सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप अपने बिजनेस स्टडीज के हर टॉपिक को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अपने बिजनेस स्टडीज से हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के वीडियोस पढ़ने को मिलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ।